तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट 1.20 अपने खुद के सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो आज हम हमारे लिए एक आयरन का फार्म बिल्ड करेंगे और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वाले एपिसोड में बहुत ही मजा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपको पता ही होगा मैंने एक चेरी ब्लॉसम बायोम फाइंड किया था, वो भी प्लेन बायोम में। तो गाइस मैं वहीं पर ही आया हूँ, आप लोग देख सकते हो सामने जो माउंटेन है उस पर ही है वो चेरी ब्लॉसम बायोम। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं जो अकेशिया बायोम का जो मेरा जो घर है उस घर को मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। मैंने आपको बोला ही था वो घर मेरे को टेम्पोरेरी हाउस है। आज हम यहाँ पर एक आयरन फार्म बिल्ड करेंगे और पिछले 2-3 एपिसोड के बाद हम लोग हमारे लिए एक कासल बिल्ड करेंगे। तो गाइस हमारे लिए जो आयरन फार्म के लिए जो सामान लगेगा वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ से कुछ वुड्स कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस फ्लेचिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो गाइस मेरा जो आयरन फार्म यहाँ पर है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेआउट कर लेता हूँ, आप लोग देख लो। तो गाइस मैंने लेआउट बना के उस पर जो ग्रास की ब्लॉक है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा क्योंकि गाइस उसके नीचे पहले बेड आएगा, उसके ऊपर हमारा जो विलेजर है 20 विलेजर उसको हम रखेंगे और उसके ऊपर हमारा आयरन गोलम जो है वो स्पॉन होगा और मरेगा, उसके बाद हमको आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये अब गाइस देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर जो जो सामान मेरे को लगेगा वो मैंने कलेक्ट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम बचा है वो है लावा बकेट। तो लावा बकेट भाई पास में एक रूइन पोर्टल है, वहाँ से मैं लेकर आऊँगा बाद में। अब देख सकते हो यहाँ पर जो बेड्स है ना, बेड्स मैंने यहाँ पर 14 बेड कलेक्ट कर लिया और जो 15 उल है उसके बाद मैं उसको क्राफ्ट करके बेड भी बना लूँगा। तो अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऐसे लीप लिया और लीप मैं चारों तरफ लगाऊँ क्योंकि गाइस गोलेम बाहर स्पॉन नहीं होने चाहिए क्योंकि गाइस एक भी गोलेम बाहर स्पॉन होंगे तो गाइस दूसरे गोलेम नहीं स्पॉन होंगे। तो जल्दी जल्दी मैं इसको लगा लेता हूँ। एंड दैट्स इट गाइस, हमारे यहाँ पर जो लीव्स का काम है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी गाइस यहाँ पर डिग डाउन करना पड़ेगा कि डिग डाउन भाई बहुत ही गहरा करेगा, 7 या 8 ब्लॉक में अगर डिग डाउन करना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर डिग डाउन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर डिग डाउन कर रहा हूँ और भाई बहुत ही गहरा डिग डाउन करेगा, मैं चारों तरफ से डिग डाउन करूँगा और गाइस उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा काम है और आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देख लो आप लोग। तो गाइस मैं देख सकता हूँ यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा डिग डाउन कर, भाई बहुत ही बड़ा रूम लग रहा है। और गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेड लेकर आता हूँ, बेड लेकर यहाँ पर कवर कर देंगे। तो गाइस मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने जो चारों तरफ का वॉल है उसको मैंने एक ब्लॉक ज़्यादा डिग डाउन कर दिया था। तो गाइस मैंने उसको भी फिक्स कर लिया। अभी गाइस मैं यहाँ पर बेड लेता हूँ। तो गाइस बेड लगाने के लिए पहले हमको यहाँ पर जो कॉबलस्टोन है उसको एक लेयर लगाना पड़ेगा क्योंकि गाइस उसके नीचे भी बेड आएगा। तो देख लो मैंने यहाँ पर कॉबलस्टोन लगा रहा हूँ, उसके ऊपर भी एक बेड लेयर आएगा और नीचे भी एक बेड का लेयर आएगा। तो अभी गाइस मैं सारे बेड को प्लेस कर देता हूँ ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो गाइस मैंने बेड को लगा दिया, अभी गाइस ऊपर जाते हैं क्योंकि बस अभी विलेजर का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं आसपास देखता हूँ विलेज है या नहीं। उसके पहले गाइस यहाँ पर जो बेड के ऊपर का ब्लॉक है ना, मैं एक हाइट पे निकल रहूँगा, पूरा ऊपर मैंने पूरा गार्ड कर दूंगा क्योंकि विलेजर अगर सो जाएंगे तो आयरन गोल स्पॉन नहीं होगा। तो मैं इस काम को भी जल्दी निपटा लेता हूँ और उसके बाद हम विलेज को फाइंड करने जाएंगे। अब यार बारिश कहाँ से स्टार्ट होगी और ऊपर से ये जो स्पाइडर है ये बहुत भी तंग कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो बारिश इस वर्ल्ड में हमेशा ही होता है। ऊपर जाते हैं, ऊपर भाई मेरे को विलेज फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी विलेज को फाइंड करता हूँ, आप लोग देखो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, मतलब आपको तो पता ही चलना ही चाहिए मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इस तरफ से सीधा जाऊँगा। तो गाइस देख सकते हो विलेज बहुत ही बड़ा है और मेरे को लकीली बहुत क्लोजली मेरे को विलेज मिल चुका है। आपको मैं जब विलेजर में ले जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं इस विलेज को थोड़ा सा लूट लेता हूँ। गाइस विलेज में डकैती करने के बाद बहुत ही सामान मेरे को मिल चुका है और खाना भी भाई बहुत ही भरपूर मात्रा में मिले। तो गाइस अभी मैं मेरे लिए एक बोट बनाऊंगा क्योंकि मेरे लिए नहीं विलेजर के लिए, क्योंकि गाइस विलेजर को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर पास में एक नदी है तो नदी के थ्रू मैं उसको ले जाऊँगा, बहुत ही ईजी काम है। आप लोग देखो इस विलेजर को मैं यहाँ पर बिठा लेता हूँ और गाइस देख सकते हो एक बार भी मैंने यहाँ पर बैठ लिया। अभी गाइस इसको लेके जाते हैं
और गाइस लेके जाने में भाई बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर जो शवल के थ्रू यहाँ पर एक उसको क्या बोलते हैं शवल के थ्रू एक मारने पे जो ऊपर का ग्रास वो मिट गया और गाइस बोट सामने नहीं जा पा रहा। तो मैं यहीं पर कोशिश कर रहा हूँ पानी के थ्रू जाने की। तो गाइस मैं यहाँ पर पानी फेंक के देखता हूँ और पानी फेंक के भाई थोड़ा सा बोट सामने किया है, तो मैं जल्दी जाके उस पर बैठता हूँ और मैं विलेजर को मेरे जो फार्म में उस पर लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पे पानी में उतर लिया, अभी गाइस मैं इसको लेके जाता हूँ। आप लोग मैं फार्म में जाके मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पर जो विलेजर को उसको मैंने यहाँ पर जो मेरा फार्म है उसके बगल पे मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी गाइस और एक विलेजर को मेरे लाना पड़ेगा और उसके बाद हम इन लोगों का ब्रीडिंग कराएंगे। और गाइस मैं उस विलेजर को लेके आता हूँ। तो गाइस पहले इसको अंदर की ओर रख देते क्योंकि ज़ॉम्बी आएगा तो ज़ॉम्बी इसको पूरा लपेट लेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा लीव काट के नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से भाई थोड़ा सा कॉबलस्टोन में मेरे को माइन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जाएगा तो नीचे यह सेफ रहेगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से इसको नीचे रख देता हूँ और उसके बाद हम और एक विलेजर को लाएंगे और उसके बाद मैंने बोला था इन लोगों का पूरा अच्छे से ब्रीडिंग कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। और गाइस वीडियो को हो सके तो एक लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखा तो गाइस पार्ट वन जाके देख सकते हो और पार्ट टू भी जाके अभी देख सकते हो। मैंने ये पार्ट सी है तो मैंने इसको अंदर की ओर धकेल दिया। अभी मैं दूसरे विलेजर को भी यहाँ पर लेके आता हूँ और इन लोगों का अच्छे से ब्रीडिंग कराएंगे। तो गाइस मैंने दूसरे फ्रीजर को भी यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। अभी गाइस इन दोनों का ब्रीडिंग करेंगे, इसको मैं नीचे रख के रख देता हूँ। तो अभी गाइस इन दोनों का जो ब्रीडिंग का काम है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास 31 ब्रेड है, इसको भाई 15 फेंक देते हैं, 15 या 16 मैंने फेंक दिया। अभी गाइस इन लोग ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अबे तुम लोग स्टार्ट करो, मेरे पास घोड़ों ने स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट हो गया। अभी गाइस मैं पीछे हट देता हूँ क्योंकि मैं अगर देखूँगा ना तो ये लोग बच्चा नहीं देंगे। अभी मैं देखना पड़ा, अबे भाई साहब भाई अभी तक नहीं हुआ, इन लोग क्या कर रहे हैं भाई, टाइम ही नहीं है मेरे पास। अभी 20 विलेजर करना कितना टाइम मेरे को लगेगा। अभी गाइस देखते हैं। ओ भाई हो गया, जो हमारा जो विलेजर है नन्ना विलेजर वो स्पॉन हो चुका है। अब अभी गाइस मेरे को और 17 विलेजर चाहिए और मैं इस काम को जल्दी निपटा के उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो ये अब गाइस बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ पर जो 20 विलेजर का काम है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया और दो चार छोटे बच्चे भी रह चुके हैं, वो थोड़ी देर में बड़े हो जाएंगे। और देख सकते हो भाई ऊपर दो दो गोल्डन स्पॉन भी हो चुके हैं। तो गाइस मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर गाइस इनका जो किलिंग चैम्बर है और जो स्टोरेज सिस्टम है उसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर कॉबलस्टोन लगा के ऊपर जा ही रहा था और गाइस मैंने गलती से एक गोलेम को हिट कर दिया और गाइस मैं मर चुका हूँ। शिट गाइस मर गया। अभी गाइस सामान को जाकर लेते और इस गोलेम को, भाई तू क्या सोच रहा है भाई, तू मेरे को एक बार मार चुका है तो क्या होगा, मैं तुझे हज़ार बार मारूंगा, हज़ार बार। तो गाइस मैं सामान को कलेक्ट कर लेते और गाइस मैं किलिंग चैम्बर और स्टोरेज सिस्टम को बिल्ड करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर तीनों ब्लॉक लगा के यहाँ पर मैं पानी फेंक रहा हूँ और यहाँ पर जो पानी फ्लो होके आ रहा है और देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लॉक बच चुका है वहाँ पर हमको जो हॉपर है उसको लगाना पड़ेगा। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी इस काम को निपटा लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने बोला था आप पिछले वीडियो में मैं जो थ्री वाला बायोम है उस बायोम को मैं जब फाइंड कर रहा था तभी गाइस मेरे को दो दो रुइन पूरा मिले थे और पिछले वीडियो मैंने एक को लूटा था। अभी गाइस इसको लूटते और लावा को लेंगे। तो गाइस देखते हो यहाँ पर एक गोल्ड ब्लॉक है और गाइस सीरियसली गाइस ये रुइन पूरा बहुत ही लकी है क्योंकि यहाँ पर तीन गोल्ड ब्लॉक है, ऊपर भी है और नीचे भी दो है। और गाइस इसको भी मैंने कहते ओ गाइस शिट गाइस ये भाई लावा कब आ गया भाई। गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपको भी तीन गोल्ड का जो ब्लॉक है वो मिला है तो गाइस आप मेरे को कमेंट में बोलना। तो गाइस यहाँ से निकलते और गाइस लावा को लेते। तो गाइस मैं लावा को लेके घर आ चुका हूँ। अभी गाइस यहाँ पर जो साइन बोर्ड है उसको लगाते। तो अभी गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर लावा भी लगा दिया। अभी गाइस यहाँ पर जो हॉपर है उस काम को मैं जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ और आपको दिखा तो आयरन स्पॉन हो गया नहीं। तो देखते हो यहाँ पर एक फर्स्ट हमारा जो आयरन गोलम है वो जाके मेरे किलिंग चैम्बर पे मर रहा है, बहुत ही तरफ से मर रहा है। और गाइस मैं यहाँ पर 5-10 मिनट एफके करके आपको दिखाता हूँ मेरे को कितना आयरन मिल चुका है।
तो गाइस मैं नीचे जाकर देखता हूँ और गाइस गोलेम भी बहुत ही मर रहे हैं। तो गाइस मैं 2-3 मिनट पर एफ के किया और देखता हूँ भाई 21, ओ माई गॉड 21 मेरे को आयरन मिल चुका है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो वीडियो वो खत्म होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय। और गाइस एक छोटी सी बात आपको कहनी थी, क्योंकि गाइस मैं जो सेकेंड पार्ट मैंने डाला था जब, तो उसमें भाई एकदम से व्यूज़ नहीं आ रहे। तो गाइस अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ चेकआउट करना उस पार्ट को। तो अभी गाइस वीडियो को एंड करते और टिल देन बाय बाय।